हाँ जी एंड वेलकम बैक। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि 1992 को हमें पीछे छोड़ना है और 2020 और 2023 की तरफ देखना है। इस वीडियो में दो सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट में मैं अपनी थिंकिंग बताऊंगा कि क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या चेंजेस नहीं होनी चाहिए, और दूसरे सेगमेंट में पीसीबी की तरफ से क्या चेंजेस होंगी और नहीं होंगी मेरे थिंकिंग के अकॉर्डिंगली। सबसे पहली बात करते हैं हमारे कैप्टन सरफराज अहमद की। आधे क्रिकेट फैन सरफराज आउट हैं, आधे क्रिकेट फैन सरफराज इन हैं। मैं पर्सनली सरफराज इन हूँ। आई डोंट थिंक वी शुड चेंज हिम। पाकिस्तान में इस वक्त उससे बेहतर कैप्टन की ऑप्शन हमारे पास कोई भी नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, retain Sarfaraz Ahmed, which is very important. He's won us the Champions Trophy, he's a PSL winner, he's an under-19 World Cup winner. तो मेरे लिहाज से उससे बेहतर ऑप्शन है ही नहीं पाकिस्तान में। सेकेंड बात करते हैं मिकी आर्थर की। मिकी आर्थर हैज़ बीन अ ग्रेट कोच फॉर पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा सर्विसेज उनके पाकिस्तान के लिए, चैम्पियंस ट्रॉफी भी जितवाई है हमें। बट आई वुड प्रेफर डीन जोन्स ओवर मिकी आर्थर एनी डे। डीन जोन्स, अब क्योंकि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का फ़ैन हूँ तो मैं देखता हूँ, और वो जिस तरह मैनेजमेंट की उनकी स्किल्स है और स्ट्रैटेजी बनाने की उनकी स्किल्स है, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट कोच आउट देयर फॉर अस टू गेट। थर्ड बात करते हैं हमारी मैनेजमेंट की, जिसके अंदर हमारे बैटिंग कोच आते हैं ग्रांट फ्लावर, बॉलिंग कोच आते हैं अजहर महमूद, मैनेजर आते हैं तलतली। आई थिंक इट्स टाइम टू लेट देम गो। अजहर महमूद ने कोई हमारी बॉलिंग इतनी इम्प्रूव नहीं की। इट्स बिन ओवर 2-3 ईयर्स तो हो गए उन्हें हमारे एज बॉलिंग कोच, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। ग्रांट फ्लावर, वेल ही वॉज एन एवरेज प्लेयर, ही इज़ बिन ओके फॉर पाकिस्तान, लेकिन हमारी बैटिंग वहीं पे अभी भी, सिवाय बाबर आजम के हमारे पास कोई भी एक उस तरह का प्लेयर नहीं मिला। और फिर मैनेजर तलतली एजेड है। आई थिंक इट्स टाइम टू लेट हिम गो। बात करते हैं इनकी रिप्लेसमेंट्स की। रिप्लेसमेंट्स, ग्रांट फ्लावर को रिप्लेस करो मिसबाह-उल हक से। अब यहाँ पे सारे ये ना कहना कि मिसबा तो ये था, टुक था, जो भी था। यहाँ पे बात टेक्निक सही करने की नहीं होती बैट्समैन की, वो अंडर-19 लेवल NCA का काम है। यहाँ पे बात होती है मेंटालिटी की, स्ट्रैटेजी की, कि आपने किस सिचुएशन में किस तरह खेलना है। हमारे बैट्समैन का जो सबसे बड़ा मसला है वो है मेंटालिटी। किस सिचुएशन में किस तरह खेलना है वो उन्हें नहीं पता। सो आई थिंक मिसबाह-उल हक विल बी अ परफेक्ट फिट फॉर दैट। रिप्लेस अजहर महमूद विद द ग्रेट वसीम अकरम। वसीम अकरम ने शाहीन अफरीदी को थोड़ी सी टिप्स दी थी, and since then Shaheen Afridi has been bowling brilliantly. So I think if you have the services of one of the greatest bowlers of all time, let alone the greatest, so I think ke Wasim Akram would be a perfect fit. Obviously पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, but anyways who cares, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। फिर जो हमारे पास एक lacking है वो है spin coach, और आपने देखा होगा कि मुश्ताक अहमद वेस्ट इंडीज़ के कोच हैं, स्पिन कोच हैं, और सकलैन मुश्ताक जो हैं वो हैं इंग्लैंड के कोच। ना सकलैन मुश्ताक, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था आदिल रशीद का, जिसमें उन्होंने बोला कि सकलैन मुश्ताक, आदिल रशीद और मोइन अली सब कुछ एक साथ करते हैं, खाते एक साथ हैं, बैठते एक साथ हैं, क्योंकि वो उनके मेंटोर हैं। वो उन्हें, आपने देखा होगा आदिल रशीद और मोइन अली की परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट the reign of Saqlain Mushtaq. So I think we need to get the services of Saqlain Mushtaq as soon as possible. फिर एक और बहुत important बात है जो कि पाकिस्तान टीम ने आज तक सोची भी नहीं होगी। We need a nutritionist in the team जो हर प्लेयर के अकॉर्डिंगली उनका डाइट प्लान बना के दे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी सारे सोशल मीडिया पे था कि बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, सबने देखी है वो वीडियो, काफ़ी फ़नी थी। बट एनीवेज वी डू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट जो हर बॉडी टाइप, हर बंदे के हिसाब से, हर प्लेयर के हिसाब से उसको एक डाइट प्लान बना के दे, एंड दे नीड टू स्टिक टू इट। वन मोर थिंग आवर टीम नीड्स इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। हमारी टीम का एक मेंटल ब्लॉक है। इंडिया के अगेंस्ट वो सही तरह आपके सामने आया है कि किस तरह का मेंटल ब्लॉक बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी क्रूज़ कर रहे थे, एकदम बैटिंग कोलैप्स हुआ और प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। तो वी नीड अ साइकोलॉजिस्ट जो इन लोगों को ट्रेन तो नहीं कह सकता, लेकिन इन लोगों की दिमाग की जो ट्यूनिंग है ना उसे सही करे। आई डोंट मीन टू से कि इनके दिमाग ख़राब है, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट दैट एवरी वन नीड्स फाइन ट्यूनिंग, एंड आई थिंक अ साइकोलॉजिस्ट इज़ अ मस्ट फॉर दिस टीम। फिर बात करते हैं हमारे चीफ सेलेक्टर की। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक शुड बी सैक्ड ASAP। नॉट बिकॉज कि उन्होंने इमामुल हक को लाए हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ इमामुल हक, ही इज़ प्रूवन हिमसेल्फ, लेकिन इट्स टाइम फॉर इंजी टू गो। उनकी पॉलिसीज़ मुझे समझ नहीं आती। आबिद अली को कभी खिला रहे हैं, एक सीरीज़ पहले फिर निकाल दिया वर्ल्ड कप से, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पूरी नई टीम भेज दी 2 महीने वर्ल्ड कप से पहले। सो आई थिंक इट्स टाइम टू लेट हिम गो। प्लीज़ इंजमामुल हक शुड बी सैक्ड एंड रिप्लेस हिम विद यूनुस खान। यूनुस खान ने जितने पाकिस्तान टीम को नए लड़के दिए थे, ही इज़ ब्रॉट इन आमिर, ही इज़ ब्रॉट इन अहमद शहजाद, ही इज़ ब्रॉट इन फवाद आलम, ही इज़ ब्रॉट इन शाहजेब हसन आए थे उनकी रेन में। सो ही इज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ न्यू टैलेंट। उसके बाद वी नीड टू गेट अ न्यू वाइस कैप्टन। अभी वर्ल्ड कप में हमारे वाइस कैप्टन शोएब मलिक थे, आधे से ज़्यादा वो मैचेस खेले नहीं, बहुत पुअर फॉर्म में थे। सो वी नीड टू गेट अ न्यू वाइस कैप्टन जो हमें इन द फ्यूचर लीड कर सके, एंड इन माई ओपिनियन देर इज़ नन बेटर ऑप्शन दैन शादाब खान। आई थिंक ही हैज़ द जर्म्स टू बी अ गुड कैप्टन। क्रिकेट को समझते हैं हम, मैंने काफ़ी दफ़ा उनको बैटिंग में नोटिस किया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलते हैं। ठीक है, कभी वो स्कोर नहीं करते क्योंकि ही इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ बैट्समैन, बट ही हैज़ द एबिलिटी टू थिंक और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलने वाला। सो गेट शादाब खान एज आवर वाइस कैप्टन। अब बात करते हैं रियलिस्टिकली पीसीबी क्या करेगी। दो ऑप्शंस है कैप्टनसी से रिलेटेड उनके पास, एक करंट कैप्टन सरफराज अहमद को रिटेन करें या नया कैप्टन लाएं, विच इज़ पॉसिबली इमाद वसीम। आई थिंक पीसीबी विल रिटेन सरफराज अहमद। एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज़ अ नाइस गाय और उन्होंने अच्छा लीड किया पाकिस्तान को, एंड आई थिंक दे विल स्टिक विद हिम फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एटलीस्ट, क्योंकि पीसीबी का मुझे पता है वर्ल्ड कप के करीब आके उन्हें कोई होश आने लगता है, जब एक साल रह जाता है तब कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो आई थिंक 2-3 साल तो वो हमारे कैप्टन रहेंगे। सेकेंड बात, आई थिंक दिल रिटेन ऑल ऑफ द मैनेजमेंट। मिकी आर्थर हमारे कोच रहेंगे, ग्रांट फ्लावर, अजहर महमूद, तलतली और बाकी जितने भी सपोर्ट स्टाफ है, आई थिंक दे विल रिमेन द सेम। अब जहाँ तक बात है सिलेक्शन कमेटी की, आई थिंक दे विल सैक इंज़िमामुल हक। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और न्यूज़ इतनी कोई अच्छी नहीं आ रही थी। आई डोंट थिंक दे आर हैप्पी विद हिम एंड इंज़िमामुल हक इज़ गोइंग टू गो। अब बात है उनकी रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट में 2 फ्रंट रनर्स के नाम आ रहे हैं, एक है मोहसिन हसन खान और दूसरे हैं आमिर सोहेल। पर्सनली आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ दैम। मोहसिन हसन खान अच्छे हैं बट ही इज़ ओल्ड, उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट को नहीं जानते। और आमिर सोहेल 2003 में भी हमारे सिलेक्टर थे। उससे बड़ा डिज़ास्टर, उससे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ज़्यादती जो आज हमारा हाल है ना, आज तो खैर बहुत बेहतर है। 2003 से 2005 तक वॉज वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ आमिर सोहेल। इस पे डिटेल में मैं बात करूंगा इन द अपकमिंग वीडियोस, लेकिन प्लीज़ पीसीबी डू नॉट हायर आमिर सोहेल। जहाँ तक वाइस कैप्टन की बात है, आई थिंक पीसीबी विल अपॉइंट इमाद वसीम एज वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, व्हिच इज़ नॉट अ बैड डिसीजन टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आई वुड प्रेफर्ड समवन यंगर, समवन मोर टैलेंटेड, जिसकी टीम में जगह पक्की हो। इमाद वसीम की अभी भी पक्की नहीं है। सो आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट चेंजेस शुड बी मेड, व्हाट चेंजेस शुड नॉट बी मेड, नीचे कमेंट्स में लिखते हैं। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, इट्स गोना बी फन। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम।